इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 10.2 से रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन क्लास 6 का होगा। क्वेश्चन 1 में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो। इसमें कुछ रेशियो दिया है, उसको हमें कंपेयर करना है। पहले हमें लिखना है इस रेशियो को 5:9 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 5/9। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंड 7:12, इसकी इक्वल हम लिखेंगे 7/12। नेक्स्ट हमें इधर इक्वल साइन देना है, इधर भी इक्वल साइन देंगे। इस फ्रैक्शन को एक बार लिखेंगे 5/9 एंड 7/12, इसको एक बार लिखेंगे। इधर मल्टीप्लाई साइन ऐसे दे देना है हमें। इस फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर है, इस डेनोमिनेटर से हम इस फ्रैक्शन का दोनों वैल्यू को, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 12। एंड इस फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर होगा, डेनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन का दोनों वैल्यू को, मतलब न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें डेनोमिनेटर है 9, तो इधर हम करेंगे 9 मल्टीप्लीकेशन। इक्वल टू हमें वैल्यू फाइंड करना है। जब हम ऐसे करेंगे दोनों फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर का जो वैल्यू होगा सेम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। 9 × 12 करेंगे तो 108 होगा, 12 × 9 करेंगे तो 108 होगा, 5 × 12 करेंगे तो 60 होगा, 7 × 9 करेंगे तो 63 होगा। दोनों में डेनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जिसमें ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है 7:12, ये ग्रेटर है। तो हम ऐसे लिखेंगे, सो 5:9 इज स्मॉलर देन 7:12। तो इस तरह हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन बी में ये दो रेशियो दिया है, इन दोनों रेशियो को हमें कंपेयर करना है। जब भी इसे कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन में देंगे तब हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो में से कौन सा रेशियो ग्रेटर होगा, कौन सा रेशियो स्मॉलर होगा, वही हम फाइंड करेंगे। तो बहुत इजी है, पहले हम लिखेंगे 11:16 एंड इसमें लिखेंगे 13:20। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं 11/16, इसमें लिख सकते हैं 13/20। फिर से हम इक्वल साइन देंगे, इधर फिर से हम इक्वल साइन देंगे। इस फ्रैक्शन को हम लिखेंगे 11/16, इधर हम लिखेंगे 13/20। ऐसे जस्ट लिख देना है, मल्टीप्लिकेशन साइन दे देना है। ये वैल्यू इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है हमें, और ये जो वैल्यू है इन दोनों में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम ऐसे करेंगे तो दोनों फ्रैक्शन में जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा। जब डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा, न्यूमरेटर का वैल्यू से हम कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है एंड कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। तो 11:2 जब करेंगे 22 होगा, ये जो जीरो है इसके पीछे ऐसे लिख देना है हमें। 2:16 करेंगे तो 32, ये जो जीरो इसको हम पीछे ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट हम 2:16 करेंगे तो 32, ये जो जीरो है बाद में ऐसे हमें लिख देना है। नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई कर देना है 16:13। 3:16 जब करेंगे 48 होगा, 1:16 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8:02 2:08 निकल के आएगा। इन दोनों फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इसमें ग्रेटर है, तो ये जो फ्रैक्शन है, मतलब ये जो रेशियो है 11:16, ये ग्रेटर होगा, 13:20 ये स्मॉलर होगा। तो हम लिखेंगे सो 11:16 इज ग्रेटर देन 13:20, जस्ट हमें ऐसे लिख देना है। सी में ये दो रेशियो दिया है, हम पहले लिखेंगे 15:32 इक्वल टू लिखना है 15/32। फिर से हम लिखेंगे 15/32, इसमें इंटू होगा, इसमें इंटू होगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंड 19:40 इक्वल टू हम लिखेंगे 19/40 इक्वल टू हम लिखेंगे 19/40 इंटू इस वैल्यू, ये वैल्यू हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये वैल्यू हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 32 एंड 32। आप लोग अगर चाहे तो 32 एंड 40 का एलसीएम निकाल कर भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन ये भी सही मेथड है। आप लोग अगर चाहे तो 32 एंड 40 का एलसीएम निकाल कर भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 × 15 करेंगे तो 60 हो जाएगा, ये जो जीरो है इधर हम लिख देंगे। एंड 4 × 32 हमें करना है, 4 × 2 = 8 एंड 4 × 3 = 12। तो ये जो जीरो है इधर हमें ऐसे लिख देना है। 4 × 32 करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल रहा है, 4 × 32 करेंगे तो सेम ही वैल्यू हमें मिलेगा। नेक्स्ट हमें 32 × 19 करना है, तो हम लिखेंगे 32 × 19। 2 × 9 = 18 का 8 carry 1, 3 × 9 = 27, 27 + 1 करेंगे तो 28, 1 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही होगा। तो प्लस कर देना है, 8056 हो जाएगा, मतलब 608 मिलेगा। तो इधर हमें देखने को ये मिल रहा है कि ये जो रेशियो है ये ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, 15 is to 32 ये स्मॉलर हो गया, 19 is to 40 ये ग्रेटर हो गया। तो इधर हम लिख देंगे सो ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, गिवन 25 is to 42 इक्वल टू 25/42 एंड 39 is to 56 इक्वल टू 39/56। अगर हम चाहे तो इसको एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं एलसीएम लेकर सॉल्व करूँगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन को मैंने अलग मेथड से सॉल्व करके दिखाया है आप लोगों को, वो भी सही मेथड है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 42 एंड 56 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 42 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42। नेक्स्ट 56 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 8, 8 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 56। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इक्वल टू ये दोनों कॉमन है एक लिखेंगे, ये दोनों कॉमन है एक लिखेंगे, इंटू 3 कॉमन नहीं है लिखना पड़ेगा, ये दो भी कॉमन नहीं है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, तो 24 × 7 कर देना है हमें। 4 × 7 करेंगे तो 28 का 8 होगा, कैरी 2 होगा, 2 × 7 करेंगे तो 14 प्लस 2 करेंगे तो 16, मतलब एलसीएम हमें मिलेगा 168। तो जब हम ऐसे एलसीएम लेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रैक्शन है एक बार हम लिखेंगे 25/42, इधर लिखेंगे 39/56, सेम इधर भी हमें ऐसे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो इक्वल टू हम लिखेंगे, तो हमें 56 के साथ ऐसा वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो एलसीएम है ये निकल के आना चाहिए। अगेन 42 के साथ भी हमें ऐसा वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद 168 निकल के आना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करने से 168 आएगा उसको हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। 2 × 3 = 6, 6 × 7 जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से 42 मिलेगा। तो क्या रह गया है, 2 × 2 रह गया है, तो इधर वैल्यू होगा 4। 2 को मल्टीप्लाई करके इधर हम लिख देंगे 4, सेम वैल्यू हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अगेन 56 के साथ कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करने से 168 आएगा उसको हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। 2 × 2 मतलब ए टू एंड ए टू इन 3 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 8, 8 × जब हम 7 करेंगे तो हो जाएगा 56। क्या रह गया है, 3 रह गया है, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी हम 3 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सेम वैल्यू हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, मतलब दोनों में सेम डेनोमिनेटर मिलेगा। वो डेनोमिनेटर क्या होगा, वो डेनोमिनेटर होगा एलसीएम वैल्यू। तो ऐसे हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 × 25 कर देंगे, 100 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 9 = 27, 27 का 7 carry 2,
थ्री थ्री जा नाइन, नाइन प्लस टू करेंगे तो हो जाएगा इलेवन। तो इधर हमें ये देखने को मिल रहा है ये जो रेशियो है 39:56 ये ग्रेटर है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तब हम क्या लिखेंगे, सो 25:42 इज स्मॉलर देन 39:56। तो ऐसे हमें सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन टू में ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बेस्ड ऑन द एबोव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट व्हिच स्कूल हैज ए बेटर रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड ए प्लस। तो इस क्वेश्चन में भी सेम हमें कंपेयर ही करना पड़ेगा। तो हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन टू का सॉल्यूशन, हम लिखेंगे रेशियो फॉर स्कूल वन इक्वल टू, हम लिखेंगे इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड ए प्लस इसमें कितना वैल्यू है 27 है, 27 को हम आगे लिखेंगे इस टू जो टोटल वैल्यू है टोटल वैल्यू को हम पीछे लिख देंगे 40 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम अगेन लिखेंगे एंड रेशियो फॉर स्कूल टू इक्वल टू, पहले हम स्कोर मार्क लिखेंगे कितना मार्क स्कोर हुआ है, उसके बाद हम टोटल मार्क को लिख देंगे 60। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में लिखना है 27/40, इसको भी हम सेम करेंगे 37/60 इक्वल टू, हम लिख देंगे 27/40 इक्वल टू इधर हम लिख देंगे 37/60, मल्टीप्लिकेशन साइन दे देंगे दोनों में। इस डेनोमिनेटर वैल्यू से हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस डेनोमिनेटर वैल्यू से हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू, हमें एक नया फ्रैक्शन मिलेगा 4 × 6 जब करेंगे 24, दो जीरो है ऐसे लिख देंगे, सेम 4 × 6 करेंगे तो 24, दो जीरो है ऐसे हमें लिख देना है। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 × 60 हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 7 इक्वल टू 42 का 2 कैरी होगा 4, 2 × 6 इक्वल टू 12, 12 प्लस 4 जब करेंगे तो हो जाएगा 16, तो वैल्यू आएगा 1620। नेक्स्ट हम इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 40 × 37, 37 × 40, 7 × 4 इक्वल टू 28 का 8 कैरी होगा 2, 3 × 4 जा 12, 12 प्लस 2 जब करेंगे तो हो जाएगा 14, मतलब 1480 हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे 1480। इधर हमें ये देखने को मिल रहा है स्कूल वन हैज बेटर रेशियो, क्योंकि ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, तो इधर हम लिख देंगे देयरफॉर स्कूल वन हैज बेटर रेशियो। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ये जो टर्म दिया है 12, 4, 3, 1, तो इसकी अगेंस्ट हम क्या लिख सकते हैं 12:4, 3:1, तो इसमें ऐसे प्रोपोर्शन साइन आएगा। ये जो प्रोपोर्शन है इसके अगेंस्ट हम क्या लिख सकते हैं इक्वल साइन लिख सकते हैं, मतलब 3:1 होगा आगे होगा 12:4, मतलब 12:4 इक्वल टू 3:4 है या नहीं इसको हमें फाइंड करना है। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं 12/4, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा एंड इसका जो नेक्स्ट स्टेप है 3/1 ऐसे होगा, तो 4 से इसको काटेंगे तो 3 टाइम्स, तो ऊपर होगा 3 नीचे होगा 1 इक्वल टू 3 नीचे होगा 1। इधर हमें देखने को ये मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है एंड राइट हैंड साइड जो है ये दोनों इक्वल है, मतलब बराबर है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म दिया है 12, 4, 3 एंड 1 ये सभी प्रोपोर्शन में है। तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन रेशियो ऑफ 12 एंड 4 इक्वल टू 12:4। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 12/4, 4 से इसको काटेंगे 3 टाइम्स इक्वल टू मिलेगा 3/1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3:1 ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंड रेशियो ऑफ
इन दोनों को लेना पड़ेगा, थ्री एंड वन इक्वल टू हम लिखेंगे थ्री इज टू वन। ये जो रेशियो है, दोनों सेम है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 12.4.3.1 आर इन प्रोपोर्शन, ऐसे हम लिखेंगे प्रोपोर्शन। तो इस तरह हमें सॉल्यूशन करना होगा। क्वेश्चन टू में ये सभी टर्म दिया है, ये सभी प्रोपोर्शन में है या नहीं इसको हमें फाइंड करना है। पहले हम इन दो टर्म को लेंगे, रेशियो ऑफ पहले लिखेंगे 81, उसके बाद हम लिखेंगे 18 को, एंड 18 इक्वल टू हम लिखेंगे 81:18, ऐसे एक बार लिखेंगे, ये 81 है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, 81/18, तो 2 9 18 होगा, 9 9 81 होगा, तो हम लिख सकते हैं 9/2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9:2। नेक्स्ट हमें इन दोनों टर्म का रेशियो निकालना है, एंड रेशियो ऑफ 810 एंड 180 इक्वल टू हम लिखेंगे 810:180 इक्वल टू हम लिखेंगे, ऊपर इस वैल्यू को लिखेंगे 810, नीचे लिखेंगे 180। इस जीरो के साथ इस जीरो को हम कैंसिल करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, इक्वल टू हमें फाइनली क्या मिलेगा, 9:2 ही मिलेगा। तो इधर हमें ये देखने को मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये साइड दोनों इक्वल है, तो उसको अगर हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, 81:18 प्रोपोर्शन 810:180 ऐसा होगा। तो ये जो प्रोपोर्शन साइन है इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल साइन लिख सकते हैं, 81:18 एंड 810:180। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, तो दोनों में जो रेशियो, मतलब सिंपलीस्ट फॉर्म में जो रेशियो बन रहा है सेम है। ये जो टर्म दिया है ये सभी प्रोपोर्शन में है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 81:18:810:180 क्वेश्चन थ्री में ये दिया हुआ है, हम ऐसे करेंगे रेशियो ऑफ 4 and 10 इक्वल टू हमें लिखना है 4:10, इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं 4/10, 2 2 4 2 5 10 इक्वल टू होगा 2/5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2:5। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, एंड रेशियो ऑफ इन दोनों को सिंपलीस्ट फॉर्म में ले जाकर देखना है कि इसकी इक्वल है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ 12:36 इक्वल टू पहले लिखेंगे 12:36, इसके बाद लिखेंगे 12/36, 12 1 12 12 3 36, तो क्या मिलेगा रेशियो हमें 1/3 एंड फाइनली 1:3 मिलेगा। इस क्वेश्चन में दोनों रेशियो सेम नहीं है, तो हम ऐसे लिखेंगे सिंस 2:5 डज नॉट इक्वल टू 1:3, देयरफॉर द टर्म्स, टर्म्स क्या दिया हुआ है, 4 10 12 36 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ऐसे हमें लिख देना है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फोर में ये सभी टर्म्स दिया हुआ है, तो हम ऐसे करेंगे रेशियो ऑफ 88 एंड 110 इक्वल टू पहले हम क्या लिखेंगे, 88:110। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 88/110, 11 से काटेंगे तो 8 टाइम्स, इसको 11 से काटेंगे तो 10 टाइम्स, 2 से काटेंगे तो 4 टाइम्स, 2 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स, इक्वल टू क्या मिलेगा, 4/5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4:5, ये रेशियो हमें मिल रहा है 4:5। नेक्स्ट हमें इन दो टर्म का रेशियो निकालना होगा, तो एंड रेशियो ऑफ 22:55 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 22:55
55। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 22/55 ऐसे लिख सकते हैं। 11 से जब इसको काटेंगे 2 टाइम्स होगा, 11 से जब इसको काटेंगे 5 टाइम्स होगा। इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/5। नेक्स्ट हम इक्वल टू लिखेंगे 2:5। तो इधर हमें ये देखने को मिल रहा है, ये जो रेशियो है एंड ये जो रेशियो है, ये दोनों सेम नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जो टर्म्स दिया था, ये सभी टर्म्स प्रोपोर्शन में नहीं है। सिंस हम लिख सकते हैं, सिंस ये जो रेशियो है 4:5 डज नॉट इक्वल टू 2:5, देयरफॉर द टर्म्स 88, 110, 22 and 55 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।